अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तो इसमें हमें क्या करना है, ड्यू डेट्स निकालने हैं। अब इसको एक बार समझिए क्या है। देखिए मैं क्रेडिट कार्ड यूज करता हूं, HDFC SBI जो भी कहिए, किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड मेरे पास है, राइट। तो मैं जब खरीदता हूं तो उस बिलिंग साइकिल के अकॉर्डिंग मेरा बिल जनरेट होता है। तो मेरा बिलिंग साइकिल जो है एवरी मंथ के 5 to 6 है, मुझे 5 तारीख से लेकर 6 तारीख के बीच में जो भी शॉपिंग करूंगा उस महीने की 26 तारीख को पे करना होगा। मैंने इस महीने की 6 तारीख से लेकर अगले महीने की 5 तारीख तक जो भी मैं खर्च करूंगा उसकी पेमेंट मुझे अगले महीने की 26 तारीख को करनी है। वैसे मान लीजिए कि आज का दिन है 13 सितंबर। अब 13 सितंबर आज मैं जो भी खरीदारी करूंगा और उसका बिल कब बन के आएगा, बिल बन के आएगा 6 तारीख को, मतलब कि 6 अक्टूबर को, और मुझे 26 अक्टूबर तक उसकी पेमेंट करनी है। तो यहाँ पे शॉपिंग डेट्स डले हुए हैं, जैसे 13 तारीख के वैसे शॉपिंग डेट्स डले हुए हैं, मुझे इसके ड्यू डेट्स निकालने हैं। क्लियर है? तो कैसे निकालेंगे, देखिए मान लीजिए इसमें से मुझे क्या करना है, मुझे दो चीजें दिखानी है, 26 इस महीने की 26 तारीख या अगले महीने की 26 तारीख। तो हमने यहाँ पे डेट का फॉर्मूला लिया जिसमें हमने ईयर इसमें से अलग कर लिया, इसमें से ईयर अलग किया, फिर इसमें से हमने मंथ अलग किया और फिर हमने 26 तारीख मैनुअल डाल दिया। ठीक है, एक डेट ये बना हुआ, दूसरे में हमने अगले महीने की 26 तारीख की बात की है तो मंथ में हम यहां पे +1 कर रहे हैं। तो 26 जुलाई या 26 अगस्त, राइट, दोनों में से कोई एक डेट हो सकता है। ठीक है, देखिए दोनों में से कौन सा डेट होगा, इसके लिए हम यूज करेंगे इफ का फॉर्मूला। इफ के फॉर्मूले में हमने डे से इसमें से डे अलग किया, तो डे क्या करेगा, 26 तारीख 28 तारीख 26 का जो 27 को 27 है वो नंबर 27 अलग करेगा। हमने बोला कि 20 नंबर 7 अगर ग्रेटर देन 6 है तो क्या करो, 26 अगस्त वाला शो करो, अदरवाइज 26 जुलाई वाला डेट शो करो। समझे? तो डे फॉर्मूला क्या किया, इसमें डे फॉर्मूले ने डे अलग किया, जैसे 27 से मान लीजिए कि इसमें आज का डेट डालता हूं तो देखिए 26 सितंबर दिखा रहा है, सॉरी 26 अक्टूबर दिखा रहा है। अगर इसमें मान लीजिए मैं यहां पे 2 तारीख डाल देता हूं, 2 से 2 9, तो अभी 26 सितंबर दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि 2 सितंबर 6 से छोटा है ना। हमने क्या बोला कि डे जो है, अगर मतलब 2 सितंबर छोड़ दीजिए, सिर्फ डे क्या किया उसने 2 को अलग किया, अगर 2 6 से बड़ा होगा तभी तो C5 को दिखाएगा, अदरवाइज D5 को दिखाएगा। अब मुझे इस डेट को कॉपी करना है, अलग अलग हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको, अब मुझे इसमें C5 के जगह पे C5 का फॉर्मूला पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ D5 के जगह पे D5 का फॉर्मूला पेस्ट कर। समझ गए? क्लियर है? तो मुझे वही वो कंफ्यूजन हो रहा था कि डे का फॉर्मूला लगा वो हमने एक तो गरिमा जी समझ में आ गई होगी आपको? हाँ जी एकदम क्लियर है मुझे। चलिए आगे आए इसी से शुरू करते हैं। तो YouTube देखा किस तरीके से हमने चीज को एक्सप्लेन किया। आप भी मेरे साथ इस तरह की फंटास्टिक वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरा मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया हुआ है, साथ में मेरे मोबाइल नंबर्स भी दिए हुए हैं जहाँ पे मुझे आप कॉल करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू।